हेलो एवरीवन, ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि मैम प्लीज़ बताएं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या फिर मेरी सी सेक्शन ही होगी। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है। मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत ही डिटेल में समझाने वाली हूँ कि कब आपकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना होती है और कब आपकी सी सेक्शन की संभावना होती है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सबसे पहले आपको ये बात समझना बेहद जरूरी है कि ट्विन प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी की संभावना 50% ही होती है। इसका मतलब है कि इसमें सी सेक्शन होने की भी संभावना 50% रहती है। और इसके अलावा आपके ट्विन्स बेबी इस दुनिया में किस तरह से आएंगे, ये बात बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, जो यह डिसाइड करेंगे कि आपके और आपके बेबी के लिए डिलीवरी का कौन सा तरीका सेफ रहेगा। ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है जो कि आपको और आपके बच्चों को रिस्क में डाल सकती है, तो फिर आपके डॉक्टर बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं, जैसे प्रीक्लैम्प्सिया और जेस्टेशनल डायबिटीज की शिकायत तो नहीं है। और इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि आपके बच्चों की पोजीशन कैसी है, और ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपके दोनों बच्चों के लास्ट टाइम पर सर नीचे और पैर ऊपर होते हैं, जिसको कि सिफेलिक पोजीशन या फिर वर्टेक पोजीशन बोला जाता है, और ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशंस होती है, और ऐसी पोजीशन ट्विंस में लगभग 40% मामलों में ही होती है। ऐसी पोजीशन होने पर आपके नेचुरली लेबर पेन शुरू होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है और नॉर्मल डिलीवरी कराने में भी बहुत ज्यादा आसानी रहती है। और दूसरी पोजीशन में ट्विंस में अगर आपके निकास के द्वार वाला जो बेबी है वो सिफेलिक पोजीशन में रहता है, यानी कि सर नीचे पैर ऊपर करके, और उसके पीछे वाला बेबी जो है वो ब्रिज पोजीशन में है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बिल्कुल रहती है। इस मामले में जो है डॉक्टर पहले बच्चे को जन्म देंगी एंड दूसरे बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में लाने का प्रयास करेंगी। एंड तीसरी पोजीशन में अगर आपके गर्भाशय ग्रीवा के पास वाला बेबी जो है वो ब्रीच है और उसके पीछे वाला बेबी सिफेलिक है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल नहीं हो सकती है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो इस पोजीशन में सी सेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर आपके दोनों बेबी ब्रीच पोजीशन में है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल नहीं हो सकती है। और अगर आपके दोनों बेबी तिरछे हैं, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। आई होप आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी आपके मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।